लव रंजन अपनी नई मूवी तू झूठी मैं मक्कार के साथ रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ इस होली पर आपके सामने हाजिर होंगे। लव रंजन अपनी बेहतरीन निर्देशन शैली के लिए जाने जाते हैं। लव रंजन की पुरानी मूवीज प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी एक रोम कॉम मूवीज थी जो कि अपने ही फ्लेवर के लिए हिट हो चुकी थी। इस बार भी रोम कॉम को अपना हथियार बनाकर रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर से काफी इंटरटेनिंग एक्टिंग कराते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि ट्रेलर में हम सभी को दिखाई पड़ रहा है। ट्रेलर एक बहुत ही नए अंदाज में दिखाया गया है जिसमें आप फैशन सेंस, स्टाइल, सस्पेंस, रोमांस सभी कुछ उसमें देखने को मिल रहा है। और ये सब सस्पेंस इस बार भी ये मूवी अपने रोम कॉम स्टाइल में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ हमें देखने को मिल रही है। रणबीर कपूर एक बेहद स्टाइलिश एक्टर नज़र आ रहे हैं और श्रद्धा कपूर एक नई अवतार में नज़र आ रही हैं, बस दर्शकों का मन मोह ले रही है। इसमें बीच में अरिजीत सिंह की आवाज़ भी दर्शकों को अपनी तरफ मोहित कर रही है। बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई गई हैं, जैसे रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर का नोकझोंक भी दिखाया गया है, प्यार भी दिखाया गया है, हेट भी दिखाई गई है। और ये नहीं ट्रेलर में समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लव रंजन अपनी मूवी के रोमांस को एक नई अंदाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। जो डायलॉग रणबीर कपूर ट्रेलर की स्टार्टिंग में बोलते हैं और वही डायलॉग श्रद्धा कपूर थोड़ी देर बाद बोलते हुए दिखाई देती है, जहां पर वो हंसते हुए भी दिखाई देती है, शायद वो रणबीर कपूर को धोखा देने में सफल हो जाती है। लेकिन रणबीर कपूर को थोड़ी देर बाद ये कहते हुए दिखाया जाता है कि अगर तूने मुझे छोड़ा है तो देखना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस बेसिस पे ये ट्रेलर आगे बढ़ता है और अंत इसका बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ट्रेलर को आप देखेंगे तो बड़ा ही कलरफुल, स्टाइलिश और सेक्सी ट्रेलर है, जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। एक और इस ट्रेलर में जहां डिंपल कपाड़िया दिखाई दे रही, वहीं सरप्राइज के रूप में शायद बोनी कपूर भी हैं इस मूवी में और कैमियो करते नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। लेकिन अभी तक ये बात दर्शकों से छुपा कर रखी जा रही है, शायद इसका मजा थिएटर में ही मिलने वाला है, क्योंकि इस मूवी का जो फ्रेशनेस है वो देखते ही बन रही है। पूरा ट्रेलर हमें बार बार देखने की इच्छा कर रही है। तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूरी से देखिए। और ये मूवी अगर होली पर आ रही है तो इस बार होली आपकी काफ़ी रंगीन होने वाली है। अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध दीजिए और इस मूवी का पूरी तरह से आनंद लीजिए। इस धमाकेदार ट्रेलर पर दर्शकों की प्रतिक्रिया काफ़ी पॉजिटिव रही है और सभी इस ट्रेलर को देखकर खुश हैं। तो दोस्तों, मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। और अगर ये रिव्यू मेरा अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और इंतज़ार कीजिए मेरे नए रिव्यू का।